Hello children, good morning. Children, today we shall be writing the notes of Hindi lesson 10, share or gidar. Okay. So, every one of you are open Hindi classwork. Write two times, twice in the classwork, twice in the homework. First Roman, Kathin Shah. Hard words. First one, gidar. गामे ई की मात्रा गी द द गीदड़ जैकन घना घर नामे आ की मात्रा ना घना थिक घना मीन्स व्हाट थिक एंड जंगल इज फॉरेस्ट दिस वर्ड यू ऑलरेडी नो सो आई विल नॉट गिव शिकार शामे ई की मात्रा शी कामे आ की मात्रा का र शिकार शिकार मीन्स ऑन अ हंट टू हंट एन एनिमल घूमता घा में उ की मात्रा घूम ता में आ की मात्रा ता घूमता फिफ्थ वन हिरन हा में ई की मात्रा ही र न हिरन खरगोश ख र घा में ओ की मात्रा गो श खरगोश Seventh one. These are simple words even though I am giving children. Next one. Intazar. E. Anki matra. In. Ta. Ja. Me. Aki matra. Ja. Ra. Intazar. Intazar means what? Waiting. Awaiting. Intazar. Avashay. A. Va. Sha. Ya. Avashay. Avashay means definitely. Okay, Avashya means what? Definitely. Ninth one. Sambhal. Sa me chandrabindu. Sun. Bha me aki matra bha. La. Sambhal. See, never put this arureka on the bha. Ga tha da. Next. Gufa. Ga me uki matra gu. Tha me aki matra tha. Gufa. नेक्स्ट निरक्षर नामे ई की मात्रा नी रमे ई की मात्रा री क्षा अणा निरक्षण निरक्षण मीन्स व्हाट ऑब्जर्विंग ओके आई सेड दिस वन व्हाइल एक्सप्लेनिंग द लेसन निरक्षण ऑब्जर्विंग ट्वेल्थ वन पंजा प में अंक की मात्रा पन जा में आ की मात्रा जा पंजा पंजा मीन्स वॉट अ फूट और अ हैंड ओके ऑफ एन एनिमल स्पेशली लायन टाइगर एंड दीज आर कार्निवरस एनिमल थर्टींथ वन तरकीब त र का में ई की मात्रा की ब तरकीब ओके फोर्टींथ वन द्वार आधा द व में आ की मात्रा व र द्वार नेक्स्ट 15th वन स्वागत आधा स व में आ की मात्रा व द त स्वागत Only 14 words, children. Okay, remaining all are easy only. You can read easily. Now, after writing this, you put Roman number 2 and write Shabdarth. Okay, Shabdarth matlab kya hai? Meanings. Meanings can be copied from here, page number 62. Here, this one. These are Ghana, thick, jungle, forest, share, lion, भूखा हंगरी शिकार हंट तलाश सर्च अंधेरा डार्कनेस अचानक सडनली गुफा केव जानवर एनिमल इंतजार वेट नजर साइट निशान मार्क्स पंजे पॉ द्वार गेट निरीक्षण ऑब्जर्विंग सच ट्रूथ तरकीब वे गीदड़ जैकल जान लाइफ पाँव फीट सिर
हेड बूढ़ा ओल्ड स्वागत वेलकम ओके दे आर ट्वेंटी फोर मीनिंग्स यू नीड टू राइट देन वी शैल बी राइटिंग दिस वन पर्यायवाची शब्द हियर यू नीड टू राइट दिस वन इन द टेक्स्ट बुक ओनली एज वेल एज इन द क्लास ऑफ बुक रोमन नंबर थ्री पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द फर्स्ट वन घना हे इट्स नॉट पर्यायवाची सॉरी चिल्ड्रन ही हैड गिवन सम वर्ड्स घना जंगल दिस पेरिंग वर्ड्स इन शब्दों को पढ़ो और लिखो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस वर्ड्स ओके आई थॉट दे आर पर्यायवाची बट दे आर नॉट पर्यायवाची यू नीड टू राइट द फ्रेमिंग वर्ड्स घना जंगल भूखा शेर सफेद खरगोश समझदार गीदड़ ठंडा पानी छोटा हिरन नन्हा चूहा अंधेरी गुफा देन आफ्टर दैट फ्रेम द वर्ड्स बाय एडिंग ओके टू लेटर्स यू टू और थ्री लेटर्स यू नीड टू ऐड एंड फ्रेम द वर्ड्स दिस वन एंड दिस वन देन इन पेज नंबर 63 ही आर ऑल्सो गिवन फिल इन द ब्लैंक्स ओके एंड द hint words he had given from here you can write this is also homework part and this one I'll explain to you all first let's write the question answers sorry children I did not see I thought these are paryayvachi shabd roman number 3 will be prashna uttar First, you write it down in the textbook, then copy down in the classroom. Uttar ek. Question kya hai? Sher kahan rehta tha? Where used to the lion used to live? Sher jangal mein rehta tha. Sher jangal mein rehta. कहाँ रहता था शेर शेर जंगल में रहता था नेक्स्ट क्वेश्चन शेर जंगल में क्यों घूमता रहा शिकार की तलाश में शेर शिकार की इट वॉज सर्चिंग द फूड राइट द लायन वॉज सर्चिंग फॉर इट्स फूड शिकार की तलाश में जंगल में घूमता रहा जंगल फॉरेस्ट में घूमता रहा क्यों घूमता रहा शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूमता रहा ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री गुफा में कौन रहता था सो इन द केव हु यूज्ड टू लिव इन द केव गीदड़ हुज केव इट वाज जैकल्स गुफा में गीदड़ रहता था गुफा में गीदड़ रहता था बोलो गुफा में गीदड़ रहता था नाउ लास्ट क्वेश्चन शेर की आवाज सुनकर गीदड़ ने क्या किया सो व्हेन ही हर्ड द जैकल हर्ड द साउंड फ्रॉम द केव दैट लायन वाज टॉकिंग व्हाट ही हैव डन ही हैव रैन फॉर हिज लाइफ राइट शेर की आवाज सुनकर शेर की आवाज सुनकर शेर की आवाज सुनकर गीदड़ कैन यू सी हियर यस गीदड़ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा गीदड़
अपनी जान. ओके, जान मीन्स व्हाट? लाइफ. बचाने बचाने के लिए वहां से भागा. ओके, शेर की आवाज सुनकर गीदड़ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा. ओके, शेर की आवाज सुनकर गीदड़ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा. नाउ नेक्स्ट कम्स इन द टेक्स्ट बुक. सही शब्द से खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल. एंड हियर पढ़ो, समझो और करो. सी, हियर यू नीड टू रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट. हाउ हियर? भूखा, भूख. देन आ की मात्रा इफ वी एड इट विल बिकम भूखा. देन घ, घन. घ में आ की मात्रा घना. देन तन, त में आ, न में आ की मात्रा तना. मन, मन, न में आ की मात्रा मना. सेम थिंग, यू नीड टू जस्ट एड आ की मात्रा ओवर देयर एंड यू नीड टू राइट ऑल दी वर्ड्स, ऑल दी सिक्स वर्ड्स सेम. इन शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाओ. नेक्स्ट वन, जंगल. ही गेव टू डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशंस. जंगल घना था, जंगल घना है. यू नीड टू जस्ट चेंज था एंड है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस. जंगल घना था, जंगल घना है. इट वॉज थिक एंड इट इज थिक. नाउ ही हैड गिवन फोर हियर. भूख, शेर भूखा था, शेर भूखा है. खरगोश, खरगोश सफेद था, खरगोश सफेद है. चूहा, चूहा शरारती था, चूहा शरारती है. नाउ वी नीड टू राइट गुफा, गीदड़, शेर, बालक, लोमड़ी. ओके, चलो आई विल बी राइटिंग टू साइड्स, यू जस्ट कॉपी डाउन, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड कॉपी. फिफ्थ वन. ओके, दिस इज फिफ्थ वन, राइट? गुफा. पर गुफा, गुफा बड़ी, बिग केव. ओके, गुफा बड़ी थी. इन दिस डैश गुफा बड़ी है. ओके चिल्ड्रन, गुफा बड़ी थी, गुफा बड़ी है. टू टू डैशेस. नेक्स्ट सिक्स्थ वन, गीदड़. ओके, व्हाट इज सिक्स्थ वन? गीदड़. गीदड़ भाग रहा था, गीदड़ भाग रहा था. द जैकल वॉज रनिंग. था मीन्स व्हाट? इट इज फिनिश्ड, पास्ट टेंस. हियर दिस साइड, गीदड़ भाग रहा है. ओके, गीदड़ भाग रहा है. ओनली द लास्ट वर्ड विल बी चेंज, रिमेनिंग एवरीथिंग सेम टू सेम. सेवेंथ वन, शेर. सेवेंथ वन, आई एम नॉट राइटिंग द वर्ड बिकॉज इट्स नॉट सफिशिएंट देयर, यू राइट डायरेक्टली. शेर गुफा में बैठा था, शेर गुफा में बैठा था. द लायन वॉज सिटिंग इन साइड द केव, बट नाउ लायन इज सिटिंग इन साइड द केव. शेर गुफा में बैठा है. ओके, द लायन इज सिटिंग इन साइड द केव. ओनली वन वर्ड इज चेंज, चिल्ड्रन, रिमेनिंग सेम. अगेन आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट एट वन, बालक.
रहा था. द चाइल्ड और द बॉय वॉज रीडिंग. नाउ वी हैव टू चेंज दैट वॉज रीडिंग इन टू द प्रेजेंट टेंस. बालक पढ़ रहा है. पढ़ रहा है. दिस इज द प्रेजेंट टेंस. ओके ओके चलो. नाउ लास्ट वन. लोमड़ी. ठीक है लोमड़ी. लेट्स राइट. लोमड़ी उछल रही थी. दैट मीन्स जैकल. नॉट जैकल इट्स अ फॉक्स. लोमड़ी इज फॉक्स. द फॉक्स वॉज जंपिंग. उछल रही थी. ओके द फॉक्स वॉज जंपिंग. नाउ हियर प्रेजेंट टेंस. लोमड़ी उछल रही. लोमड़ी उछल रही है. ट्राई टू फिक्स अप द वर्ड्स हियर ओनली चिल्ड्रन. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द लाइन इफ इट इज नॉट सफिशियंट. विद द पेंसिल यू कैन ड्रॉ एंड यू कैन राइट इट डाउन. ओके नाउ नेक्स्ट वन. लर्न दिस वन. प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. प्रत्येक जानवर की एक एक विशेषता लिखो. वी नीड टू एंड राइट द नेम and the strength of the animal and like importance. One feature we need to write about the animal. This is chubby. The first one, what is first one? Share. Okay, put share and come up. Share ki strength kya hai? Feature. Because lion is the strongest animal. So we write share balwan. Okay, strong. Balwan ka matlab kya hai? Strong. Like the second one is gidar. Gidar. This the gidar was very clever. That means very wise. That's the reason. It have fooled the lion only. Gidar sayana. Sa ya me a ki matra ya na me a ki matra na. Sayana. Clever. Khargosh. Khargosh ka, if we are writing one of the features, we'll think that obviously when we see, look at the rabbits, we'll think it's so beautiful. It has beautiful skin. So we'll write Sundar or Chatur. Not Sundar, Chatur. This also a little bit intelligent. Okay? This is white, but this is intelligent. Fourth one. Hiran. Deer. This is Sundar. The deers are very, very beautiful animals. Okay children, so we have successfully completed our 10th lesson. Each and everyone have to do the textbook part, classwork as well as the homework. Try to read the lesson children, try to pronounce the words clearly because nothing is hard. When we join the words and try to read, we will get the correct pronunciation. Okay, bye bye, take care.